ओवरऑल हुआई का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम काल या 9 अगस्त को इंटरनेशनली लॉन्च कर चुका है चाइना के ऊपर। तो ये काल जो डेमोस्ट्रेशन दिखाए इसमें किसी तरह कोई फोन के ऊपर डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखाया, बट इसमें काफी सारा चीज आपको पता चल जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या क्या होगा। तो ये वीडियो में आप लोगों को बोलूंगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हर एक डिटेल जो अभी तक हम लोग को पता चला, तो आप ये वीडियो में सब कुछ जान पाएंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हॉन्गमिंग ओएस नाम से हम लोग जानते थे, ये चाइना में हॉन्गमिंग ओएस नाम से जाना जाएगा, बट इंटरनेशनली ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हारमोनी ओएस के नाम में जाना जाएगा। तो आपको ये वीडियो में बोलूंगा क्या क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, वीडियो अनकट होगा तो बोल देते। तो टेक्सन चैनल से मैं सम्राट आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो का लास्ट तक हमारे साथ ही रहेंगे। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक दे देना, उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, तो इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। तो वीडियो का मेन टॉपिक में आते हैं। तो कल यानी 9 अगस्त को ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डेमोस्ट्रेशन दिखाया हुआई ने। तो हुआई ने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया ये एक माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सेम एस अगर आप गूगल का जो फ्यूचर ओएस है जिसका डेवलप चल रहा है वो भी माइक्रो कर्नल बेस्ड है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड कर्नल के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप थोड़ा इंटरफेस देखना चाहोगे तो इस तरह का एक काल सबसे पहला जो दिखाया था इस तरह का, तो थोड़ा ब्राइटनेस आपको बढ़ा देता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बढ़ जा और ब्राइटनेस, हाँ तो ब्राइटनेस बढ़ा दिया, तो इस तरह से कुछ चीज़ दिखा रहा था उधर, कुछ चीज़ आपको इधर क्लियर मेंशन किया, जैसा इधर हम कुछ पॉइंट मैं लिख कर रख दिया तो उसको आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो इधर है ये माइक्रो कर्नल तो बेस है ही, उसके साथ क्रॉस डिवाइस सपोर्ट करेगा, क्रॉस डिवाइस सपोर्ट करेगा वो भी IDF नाम का एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, IDE तो IDE की IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो इसका अंदर हुआई का आर्क नाम का IDE है जो आपको क्या करेगा, कंपाइल करने में हेल्प करेगा। मतलब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में के अंदर जब हॉन्गमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो वही एप्लीकेशन आपको किसी तरह नया तरह का डेवलप नहीं करना पड़ेगा। वही एप्लीकेशन अगर आप मोबाइल के लिए किया तो वही एप्लीकेशन आपको कंप्यूटर में भी चल जाएगा, इवन कोई IoT डिवाइस मतलब टेलीविजन है तो उसमें भी चला जाएगा, स्मार्ट वॉच में है तो स्मार्ट वॉच में भी वो चल जाएगा, इवन आपका कोई कार के अंदर जो डिस्प्ले होता है उधर भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो उधर भी ये चल जाएगा। मतलब जो डेवलपर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही बार डेवलप करना पड़ेगा उससे काम चला जाएगा। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम से हर एक जगह में ये काम करेगा, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे प्लस पॉइंट है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हर एक एरिया में देखने को मिलेगा, मतलब एक कनेक्टिंग IoT जो डिवाइस होता है उसके साथ आपको हर एक चीज में आपको कनेक्ट करने का ट्राई किया हुआ ही नहीं। तो इधर आपको एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ये, तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होने के बाद क्या होगा, हर एक कंपनी इसका डेवलप कर पाएगा, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर पाएगा, और एक इसका प्लस पॉइंट हम लोग को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल गया। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को वादा किया जा रहा है ये 60% फास्टर देन एंड्रॉयड है और हुआई की तरफ से बोला जा रहा है। और उसके साथ इसमें आपको काफ़ी सारा चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा जो गूगल के एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलेगा, इस तरह का बोला जा रहा है। और ये अभी आपको हुआई का एक टीवी हॉनर का एक टीवी लॉन्च करेगा आज यानी 10 अगस्त को, तो उसका अंदर अगर लॉन्च होता है तो उसमें आपको हॉन्गमिंग ओएस देखने को मिलेगा सबसे पहले, नहीं तो हारमोनी ओएस देखने को मिल जाएगा। बाद में क्या करेगा, बाद में आपको अभी मोबाइल के ऊपर किसी तरह इसको स्प्रेड करने का किसी माने प्लान नहीं है हुआई एंड हॉनर की, और अभी सिर्फ IoT डिवाइस है इसके ऊपर ही स्प्रेड करने का ट्राई कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच जो हुआई एंड हॉनर का है उसमें देखने को मिलेगा, टीवी में देखने को मिलेगा, ऐसा ही अगर जो स्मार्ट डिवाइस है जैसा असिस्टेंट स्पीकर होता है उसमें ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। करेंटली अगर हुआई बोला अभी अगर जो गूगल का लाइसेंसिंग है वो कंप्लीट बातिल हो जाता मतलब कैंसिल हो जाता है तो तभी जाकर हुआई एंड ऑनर ये हॉन्गमिंग ओएस के ऊपर मोबाइल निकालेगा। बट एक चीज़ इधर नोटिस करने वाली चीज़ है, हुआई बोला है हुआई का जो ये हॉन्गमिंग ओएस है इसके ऊपर चाइनीज जो टेक जायंट है मतलब Xiaomi है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस है, मेजू है, इस तरह का सभी कंपनी इसके ऊपर काम कर रहा है, मतलब ये डेवलप करने में काम के लगा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल के लिए नहीं तो जो जो डिवाइस के लिए बनाएगा वो और भी स्टेबल हो जाएगा। एंड हुआई ये भी बोला अभी तो प्लान नहीं है बट हुआई का किसी एक फोन में जरूर आएगा, और वो लग रहा है हुआई का जो P30 है P30 में भी आ सकता है इस ईयर की लास्ट तक, तो उसमें देखा जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा काम करेगा, क्योंकि अभी ये डेमोस्ट्रेशन की तौर पर है, जब टीवी में आएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा कैसा होगा। तो वो टीवी अगर लॉन्च होता है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ भी पता चल जाता है तो उसको आपको पता दूंगा। तो इधर मैं कुछ पिक्चर इधर मैं कलेक्ट किया इंटरनेट से तो उसको आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पिक्चर देखने को मिला, नेक्स्ट है हॉन्गमिंग ओएस का ये है इनिशियल स्टेज में लोगो जो हमें देखने को मिला, नेक्स्ट ये इंट्रोड्यूस का
ऑप्शन है जब इंट्रोड्यूस किया कैसा होगा हॉन्गमिंग ओएस उसमें दिखाया था, उसके साथ और भी कुछ चीज जैसा कौन सा डिवाइस में कनेक्ट होता है। देखिए कार का पिक्चर है, उसके साथ मोबाइल का पिक्चर है, टीवी का, कंप्यूटर का, हर एक चीज का पिक्चर इधर देखने को मिलेगा। मतलब ये हर एक एरिया में ये सपोर्ट करेगा वो दिखा रहा है। और उसके साथ ये AI का जो डिपार्टमेंट है इसमें ये काफी आगे रहेगा, क्योंकि ये पहले से AI को लेकर काफी काम किया ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड से इंटीग्रेटेड तौर पर, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में AI का भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ये है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप नोटिस करोगे जो एप्पल का इकोसिस्टम है उसमें आपको जो इकोसिस्टम है उसमें एप्पल का अगर iOS अगर फोन में यूज करते तो iMac में जाकर भी आपको काफी हद तक एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ऐसा ही अगर आप स्मार्ट वॉच में जाओगे तो एक इकोसिस्टम जो है ऐसे इकोसिस्टम क्रिएट करने का ट्राई करेगा। और माइक्रो कर्नल होने पर इसमें जो डेवलप है वो डेवलप भी काफी इजी हो जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा जो डेवलपर के लिए एप्स डेवलप काफी हेल्पफुल होगा। और एक चीज बोला हुआ ने, इधर आपको एंड्रॉइड का हर एप्स इधर इंस्टॉल करने का सुविधा देखने को मिल जाएगा, बट वो क्या सीधा APK इंस्टॉल कर पाएगा, नहीं तो कोई एक जो कॉन्वर्टर रहेगा हो सकता है उससे कॉन्वर्ट होकर ये एप्स इंस्टॉल होगा, वो अभी पता नहीं चलेगा। बट ये एक चीज प्लस पॉइंट हो जाएगा जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है डेवलपर जो होता है उसका जो एप्स डेवलप वो और भी ईजी हो जाते हैं, जो एक प्लस पॉइंट रहेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और भी डिटेल जब आएगा हम लोग के पास आपको और भी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना, उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। और इसको रिगार्डिंग आपको क्या राय है, आपको कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का 100% आंसर देने का ट्राई करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर क्या करना तो बोला दे लाइक देना, और चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। पहले से सब्सक्राइब, थैंक यू, फिर एक नया वीडियो मुलाकात, टाटा बाय बाय।